सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है नई वीडियो में। तो आज एक बार फिर न्यू वैकेंसी के साथ, तो डियर इंडसइंड बैंक हायरिंग कर रहा है, तो वैकेंसी अपडेट हो चुकी है। तो जॉब डिटेल्स की बात कर लेते हैं अभी हम। यार जॉब रोल आपका रिलेशनशिप मैनेजर रहने वाला है। ओपनिंग जो है डिपार्टमेंट है आपका फूड एंड एग्री बिजनेस, ठीक है। ग्रुप है कॉरपोरेट एंड कॉमर्शियल बैंकिंग ग्रुप। लोकेशन पैन इंडिया, किसी भी ब्रांच में आपको पोस्टिंग मिल सकती है, आपके नियर ब्रांच में ही मिल सकती है। क्वालिफिकेशन में CA या फिर MBA होना चाहिए डियर। जो लोग MBA कर रहे हैं, कर चुके हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट एक्सपीरियंस नीड रहने वाली है, 4 to 8 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए इन बैंकिंग और NBFC। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं? डियर मैं एक मेल आईडी प्रोवाइड कराऊंगा, तो फ्रेशर्स उस मेल आईडी पे रिज्यूमे भेज सकते हैं। अब रिवर्ट आना या ना आना, रिवर्ट देना वो HR के हाथ में रहता है, राइट। तो जॉब डिस्क्रिप्शन है, देखो आपको वही थोड़ा बहुत सेल्स करना है टू, ठीक है। ऑर्गेनेट एंड डेवलप ए न्यू रिलेशनशिप इन फूड एंड एग्री डोमेन कॉरपोरेट्स, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कॉरपोरेट्स होते हैं, ठीक है। टू स्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड इनोवेट, ठीक है, डील्स टू फूड एंड एग्री कॉरपोरेट इन वर्किंग कैपिटल टीम लोन प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड नॉन फंडेड बेस्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो यही काम है, मोस्टली सेल्स से भी है और ऑपरेशन का भी। तो डियर ये है इंडसइंड बैंक की वैकेंसी, अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ इंडसइंड बैंक हायरिंग कर रहा है। ये पूरा जॉब रोल है आपका डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और सैलरी देखो, मैं ऐसे तो नहीं बता सकता, बट जहाँ तक मुझे पता है, अगर 4 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा, वो भी MBA के बाद, तो भाई कम से कम 7-8-9 लाख का तो पैकेज देना ही चाहिए। और मिनिमम 6 से 7 लाख का पैकेज होना चाहिए। और पैन इंडिया हायरिंग है, तो दिल्ली NCR से लेकर कहीं भी आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है। तो ये देखिए, रिलेशनशिप मैनेजर की ही है, फूड एंड एग्री बिजनेस, ठीक है। कॉरपोरेट और कॉमर्शियल बैंकिंग ग्रुप दोनों में आपकी जॉब है, ठीक है। कॉरपोरेट में भी बैठेंगे और कॉमर्शियल, एक दोनों डिफरेंट होते हैं। वीडियो में एक दिन जरूर डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। और ये पैन इंडिया है, CA और MBA क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। और अब आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट उनको अपना CV भेजना है, ठीक है। ये मेल आईडी है, मेल आईडी आप एक बार देख लीजिए, और मेल आईडी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। pratiksha.misra@indusind.com ये मेल आईडी है। मैं ये ग्रुप टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा, करियर एडवाइजर 24 नाम से ही है, ठीक है। और ये वैकेंसी शेयर कर दूंगा, तो आप लोग यहाँ पे अपना रिज्यूमे भेज दीजिए, और जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको मेल बैक आएगा या फिर कॉल आएगा आपके नंबर जो आप देते हैं ना रिज्यूमे में। तो यार ये थी वैकेंसी इंडसइंड बैंक की, और ऐसी वैकेंसी मैं लेके आता रहूँगा जितनी भी वैकेंसी, क्योंकि अप्रैल जो मंथ होता है हायरिंग का मंथ होता है, प्रमोशन का मंथ होता है, इंक्रीमेंट का मंथ होता है, बोनस का मंथ होता है, तो सबसे ज़्यादा हायरिंग अप्रैल में होती हैं, अप्रैल मई जून, तो ये पीक लेवल पर हायरिंग है। तो देखो इंडसइंड बैंक ये रही वैकेंसी, यहाँ पे अप्लाई करना है। ये मैं ट्राई करूँगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दे दूँ, ठीक है। चलिए यार, ऐसी फिर नई वैकेंसी के साथ मिलते रहेंगे। आज की वैकेंसी थी इंडसइंड बैंक, ठीक है। और फ्रेशर्स आप भी अपना रिज्यूमे भेज दीजिए, क्या पता एज अ फ्रेशर आपको जॉब मिल जाए, और 17-18 हज़ार सैलरी मिल जाएगी भाई, इंडसइंड बैंक काफ़ी बड़ा बैंक है। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, और अपना रिज्यूमे ज़रूर शेयर कीजिए, यहाँ पे भेज दीजिएगा, ताकि आपको अपॉर्चुनिटी मिल सके और आप अपना करियर स्टार्ट कर सकें। ऑल द बेस्ट।